नेचुरल क्लासेस फॉर नीट में आप सभी को स्वागत है। आज जो माहौल है पूरे देश का, वो उसमें पूरे देश में जो है, पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन लगने के कारण हम लोग जो है ना अपना कॉलेज जा पा रहे हैं, ना हम लोग स्कूल जा पा रहे हैं, ना कोचिंग सेंटर जा रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग का जो पढ़ाई जिस रेशियो में चलना चाहिए उस रेशियो में पढ़ाई का जो है थोड़ा सा डिक्रीज आया है। मगर ये कभी कदापि मत सोचिए कि एग्ज़ाम नहीं है होना है। अगर नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वो नीट का एग्ज़ाम जरूर होगा। अगर आप प्लस टू का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो प्लस टू का एग्ज़ाम ऑन टाइम हो जाएगा। इसी पर्पस से आप लोगों को जो क्लास है, ये नेचुरल क्लासेस फॉर नीट, ये आप लोगों को जो है ऑनलाइन क्लास कर दिया गया है। ऑनलाइन क्लास में आपको जो है वो ये बेसिकली नेचुरल क्लासेस जो था वो नीट एग्जामिनेशन के लिए था। मगर हम लोगों ने बात उसके बाद जब इसका डिस्कशन किया और प्रेजेंट सिचुएशन पर पूरा मंथन किया, गहन चिंतन किया, तब हम लोगों ने पाया कि नहीं, इसमें जो है आपको हम प्लस टू का भी करिकुलम को ऐड करेंगे, प्लस टू का भी पढ़ाएंगे और इसमें जो है आपका BS, EB, CB, SE और ICSE करिकुलम को कवर करते हुए नीट का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कराया जाए। ठीक है, आप इसमें जो है नेचुरल क्लासेस में जो है आप इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री, यही दो सब्जेक्ट का यहाँ पे आपका स्टडी होगा और इसके लिए आपको कोई फी स्ट्रक्चर नहीं है। जब तक लॉकडाउन है फी जो है फ्री है, आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। हाँ, लेकिन समय समय पर आपको ये जो है ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना है। ये आपका जो है YouTube पर भी मौजूद रहेगा, लेकिन ये YouTube पर मात्र 10 या 15 दिन के लिए मौजूद रहेगा। 10-15 दिन के बाद ये जो वीडियो है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप 10 दिन 15 दिन ऑनलाइन क्लासेस जो है YouTube पर आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ क्या हुआ है, बिहार में अगर बेसिकली बात करें तो मैट्रिक का एग्ज़ाम हो गया है, मैट्रिक का एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन वो कैंडिडेट 11th में एडमिशन नहीं लिया है। क्या क्या 11th में एडमिशन नहीं हुआ है? 11th में एडमिशन नहीं हुआ है तो 11th का पढ़ाई कैसे होगा? लेकिन जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट 11th में है उसको 12th में प्रमोट कर दिया गया है। इसका वजह यह है, इसका एक बैड इफेक्ट ये होगा कि ये ऑन टाइम में जो है आपका एग्जामिनेशन, 12th का एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन हो जाएगा और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब आप क्या वहां लिखेंगे। इसी पर्पस से, इसी सब चीज को सोचते हुए हमारे नेचुरल क्लासेस के टीम ने ये डिस्कशन कंक्लूजन निकाला है कि आप लोगों का जो है प्रिपरेशन कराया जाए, ऑनलाइन क्लास लिया जाए। ठीक है, अभी आपको हम जो है बायोलॉजी का क्लास लेंगे। ट्वेल्थ क्लास का जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो तो आप लोग सभी को पता ही होगा कि फर्स्ट चैप्टर में जो आता है ट्वेल्थ बायोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा चैप्टर है रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ,
तीसरा चैप्टर है जेनेटिक जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, चौथा चैप्टर है आपका ह्यूमन वेलफेयर, पांचवा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, छठा चैप्टर है इवोल्यूशन। ये सारे चैप्टर्स हैं आपका जो है आपका ये सारे चैप्टर हैं 12th क्लासेस में। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स हैं आपका क्या बोलते हैं 12th क्लासेस में। इसमें से आपको आज जो है हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये सारा चीज का तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अब आइए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की बात करें। इसमें दो शब्द हैं, पहला है ऑर्गेनिज्म और दूसरा है रिप्रोडक्शन। तो आपका हम ये पहला क्वेश्चन मन में आएगा, विचार में आएगा कि रिप्रोडक्शन क्यों आवश्यक है, रिप्रोडक्शन का क्या महत्व है, क्यों होना चाहिए रिप्रोडक्शन। तो आप आइए समझने के लिए आप एक बात करेंगे कि हमारा क्या हुआ, बर्थ हुआ, क्या हुआ, बर्थ हुआ, उसके बाद हम लोग क्या बने, यंग हो गए, दूसरा उसके बाद क्या हो गए, मैच्योर हो गए, तीसरा क्या हो गए, ओल्ड हो गए, उसके बाद क्या हो गए, डेथ हो गया। क्या हो गया, डेथ हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन या किसी भी एनिमल का पॉपुलेशन अभी तत्काल किसी कारणवश अगर नहीं हुआ तो अर्थ पर से ये चीज खत्म होने नहीं जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ जब हम मैच्योर फेज में आ जाते हैं, मैच्योर फेज में आते हैं तो हम लोग एक प्रोसेस करते हैं रिप्रोडक्शन। री मतलब फिर से, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, फिर से उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है, तो फिर अपने जैसे एक यंग वन का फिर से उत्पादन होता है और ये साइकिल चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये हमारा रेसेस, हमारा समाज, हमारा जाति, हमारा जो भी है वो जो है चलते रहता है, कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, अब आइए हमको ये बताइए कि बर्थ भी तो एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, और ये जो डेथ है वो भी नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल। अगर कोई बीमारी से नहीं मरा तब नेचुरल डेथ कहलाता है। ठीक है, ये बर्थ भी नेचुरल प्रोसेस है और डेथ भी जो है नेचुरल प्रोसेस है, मगर द पीरियड बिटवीन द नेचुरल डेथ एंड नेचुरल बर्थ इज नोन एज द लाइफ स्पान। लाइफ स्पान क्या हो गया, द पीरियड बिटवीन नेचुरल बर्थ एंड नेचुरल डेथ इज नॉन एज लाइफ स्पान, लाइफ स्पान। अब क्या होता है कि हम देखते हैं कि एक व्यक्ति का जन्म हुआ, एक बच्चे का जन्म हुआ और वो दूसरा जब लास्ट एज में आ गया नेचुरल डेथ हो गया, उस दोनों के बीच में एक अवधि होती है जिसको कि लाइफ स्पान कहते हैं। उसकी वही जिंदगी की क्षमता है, उतने दिन तक जिएगा। तो लाइफ स्पान क्या होता है कि ये शेप साइज
आर मॉर्फो फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स जेनेटिक्स पर निर्भर नहीं करता है। इस पर क्या होता है डिपेंड, नो डिपेंड करता है, नॉट डिपेंड है। क्या होता है इस पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा हमने क्यों किया, कहा कि शेप साइज और फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स पर ये निर्भर क्यों नहीं करता है, तो हम इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे एनिमल हैं जो देखने में एक जैसा लगते हैं, तो क्या दोनों का एक ही टाइम पीरियड होता है, जीने का क्षमता एक ही होता है? नहीं। अगर आप बात करते हैं आम की पेड़ का, तो आम का पेड़ जो है और बरगद का पेड़ दोनों लगभग सेम क्वालिटी का है, सेम तरह का है, लेकिन दोनों का जो है आपका जिंदगी अलग अलग होता है। जहाँ बरगद जो है आपका 200 से 250 साल तक जीता है, उसी प्रकार से मैंगो ट्री जो है वो 200 से 250 साल तक तो नहीं जी सकता है, कदापि नहीं जी सकता है। अगर आप बात करें क्रॉ और पैरोट की, तो क्रॉ जो है मैक्सिमम जो है 3 से 4 साल तक जीता है, या उससे कम भी जिएगा, लेकिन पैरोट जो है 140 साल तक जीता है। अगर हम बात कर ले कि टोटोइज का, तो सब एनिमल का, जितना भी एनिमल है, सारे स्पेसीज का अलग अलग जीने की क्षमता होती है। इस उसी क्षमता को हम लोग लाइफ स्पान कहते हैं, और उसी लाइफ स्पान के बीच में उसको क्या करना होता है, एक प्रोसेस करना होता है, जिसको मैं कि री मतलब फिर से प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन, फिर से उत्पादन करना पड़ता है, अपने जैसा ऑफस्प्रिंग का जन्म देना पड़ता है, तब जाके ये रेसिस जो है चलते रहता है। ठीक है, तो आइए आपको हम लोग समझते हैं रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं। री मतलब फिर से, अगेन, प्रोडक्शन मतलब हो जाता उत्पादन। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब तो जान ही रहे उत्पादन, और री मतलब अगेन, तो अगेन रिप्रोडक्शन होना जरूरी है, फिर से इसका क्या होता है उत्पादन होता है। अब आप समझेंगे कैसे, तो इट इज ए नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच एंड ऑर्गेनिज्म गिव्स बर्थ टू यंग वन इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। तो ये क्या हो गया कि रिप्रोडक्शन को इस तरीका से डिफाइन कर देंगे। देखिए, इसका डिफिनेशन किसी का एक सर्टन नहीं होता है, आपके मन में जैसे भी हो वैसे ही आप उसको जो है डिफिनेशन में पिरो सकते हैं। कोई निश्चित नहीं है कि जो हम लिखे यही एक डिफिनेशन है और कुछ नहीं है, अपने मन से। और हम 4 बार लिखेंगे 4 बार डिफिनेशन बदलेगा, 5 बार लिखेंगे 5 बार, तो हमारे इच्छे के अनुसार के डिफिनेशन हम कैसे बनाए। इसलिए मेन चीज आप समझ जाएंगे, उसके बाद डिफिनेशन खुद ब खुद बनेगा। तो जैसा मैंने कहा कि री मतलब अगेन होता है, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन होता है, दैट मीन्स कि फिर से उत्पादन करना है। तो नेचुरल, इसको अगर डिफाइन अगर हम कर लें, तो इट इज ए नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स बर्थ टू यंग वन इज नोन एज रिप्रोडक्शन।
अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अगर बायोलॉजिकल प्रोसेस के माध्यम से अपने जैसा एक अलग से संतान पैदा करता है उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन अगर हम समझना चाहें तो ये दो प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें का कितने टाइप्स होते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आप आइए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अच्छा, ए हमारे पास क्या है, अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा। ठीक है, अगर हम ये दोनों को लेकर चलते हैं, ठीक है, तो इन ए अगर हम इसको डिफाइन करें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच ओनली वन पार्टनर इज कैपेबल टू गिव बर्थ ऑफ यंग वन। ओनली वन पार्टनर इज कैपेबल टू गिव गिव बर्थ टू यंग वन इज नोन एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देर इज नो नीड ऑफ मेल और फीमेल और अदर्स। गैमिट का फॉर्मेशन होना ही नहीं है, जायगोट का फॉर्मेशन होना ही नहीं है, लेकिन ये जो है अपने जैसे इस प्रोसेस के माध्यम से यंग वन का बर्थ जरूर होना है। ठीक है, तो इसमें इसको कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ओनली वन पार्टनर इज कैपेबल टू गिव बर्थ टू यंग वन इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि ओनली वन पार्टनर इज कैपेबल टू गिव बर्थ। इसमें क्या होता है कि जब एक ही पार्टनर बनना है तो इसमें गैमिट का फॉर्मेशन, नो गैमिट फॉर्मेशन, इसमें गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो नो जायगोट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन इसमें नहीं होता। लेकिन आइए ये आप नोट डाउन कर लीजिए, अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच बोथ पार्टनर्स दैट मीन्स मेल एंड फीमेल इज रिक्वायर्ड टू गिव बर्थ ऑफ यंग वन। ठीक है, इट इज ए बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस in which both male and female is required to give birth to
यंग बॉय इज नोन एज सेक्सुअली इन्फ्लुएंस्ड. क्लियर कट. इसमें आपका वन पार्टनर इज कैपेबल टू गिव बर्थ टू यंग वन. इसमें क्या है, बोथ मेल एंड फीमेल बोथ आर रिक्वायर्ड टू गिव बर्थ ऑफ यंग वन. दैट मींस कि इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट होगा. क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट. ठीक है, उसके बाद आप आइए फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, दूसरा होगा फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, उसके आगे जो भी प्रोसेस होगा सारा होगा जायगोट. ये दो मेन डिफरेंसेस है. कभी कभी आ जाता है डिफरेंसेस लिखने के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको डिफरेंस लिखना है, कभी कभी पूछ देता है, तो आपको ये जो है राइट डाउन कर लेना है. चलिए उतारिए, राइट डाउन कीजिए. हो गया.